इसका साफ करके बढ़िया से यहीं में खाना चाहिए। कम खर्चा में पैदावार बढ़िया। का हो दीदी, ये तो धनवा समय में है, गर्मी के गोहूं बोई है, का बहुत अनरित करत। हाँ बहनी, ये तो धूप में दोनों लोग पता नहीं का करत। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते बहनी। और ठीक है दीदी? अरे चमेली बहनी, हर कहाँ आ जाए गए? अरे दीदी, हमारे हैं आपके लगा का बहनी। अरे आ रहे हैं कि धाने के बिया हुआ के बारे में ही है कि कौन कौन धाना है, नवा कौन धाना है, तो बोए तो पैदावार ज्यादा हुआ। लेकिन हम देखे था कि आपका कि दूसरे काम में कुछ बाज ही हूँ, तो धनवा सीजन हम गेहूँ बुआई करे जाती हूँ का मशीनिया से? अरे बहनी, गेहूँ ना है, मशीनिया से धान का बुआई करे जाए। कबो हम सुने न रहे मशीन से धान का बुआई, और न कबो सुने न कबो देखे न है। समय के साथ साथ बदलाव भी जरूरी है। चलो एकर लाभ और एकर सब प्रक्रिया कहके कहूं बैठ कर आपका अच्छे से समझाए देवे। ठीक है दीदी, चलो। जो हमारे सब धान का बुआई करा जावा जाता है, ई DSR विधि कहा जाता है, मतलब धान की सीधी बुआई। और जो परंपरागत से हमारे लगावा जाता है, वो परंपरागत से हमें ज्यादा पैदावार भी होता है और लागत भी कम लागत है। ये कोनो नया तकनीकी से आपकी नाय धनवा करी थन, मशीन द्वारा पिछले बरिया भी लगाए रहे, बहुत अच्छा पैदावार बढ़िया मिला रहा। ये मशीनिया से बुआई करे है इतना फायदा है कि और कुछ फायदा है? हाँ बहनी, फायदा तो इनमें बहुत होता है। पहला फायदा सुनो कि जो परंपरागत से धान लगाया जाता है और DSR विधि से, अगर जो दोनों का तुलना करा जाए तो DSR विधि में 20-25% पानी की बचत होता है, मजदूर कम लागत है। देखो मजदूर खोज में कितना परेशानी होता है। पहला है कि जैसे जरई नाई करे पड़त है, दूसरा है पानी भर कर पलेवा नाई करे पड़त है, तीसरा है देखो रोपाई नाई करे पड़त है। तो यह में खर्चा भी कम लागत है और समय का भी बचत होता है। रोपाई करे खातिर बारिश के दिक्कत आवत है तो मन बारिश के मुँह नाई देखे है कि बारिश हुई तो हम रोपाई करबे। यही लिए यही विधि से जब चाहो बुआई कर लो और जब समय से बुआई हो जाए तो पैदावार तो अच्छा मिलबे करी। हाँ भैया, जब समय से बुआई हो जाए तो पैदावार तो होबे करी। हाँ बहनी, रास्ता तो बहुत बढ़िया है, इमान फायदा समझ में आवत है। बहनी सबसे खास बात कि धान का सीधी बुआई करे से मिट्टी का सेहत में सुधार आवत है और लगभग धान का उत्पादन 10% बढ़ोतरी होती है। बता दीदी कि जो हमारे यहाँ का मिट्टी है, ये मशीनिया से बुआई करे धनवा पैदावार हो जाए? अरे बहनी, मन परेशान हुए वाली कोनो बात न है, इस सब प्रकार के मिट्टी में यहाँ पैदावार हो जाते है, खाली एक बलुई मिट्टी में यहाँ नहीं हो पावत है। आप लोग के बताए के हिसाब से तो ये विधि में अच्छा खासा फायदा है, लेकिन दीदी एकर तरीका हमें बुवाई कई के दिखाई दे तो बहुत अच्छा है। पिछले बरिया गेहुआ मशीनिया तो लगाई कर रही हूँ। हाँ बहनी, लगाए तो रहा की है न, वैसा ही धनो लगाओ के सीधी बुआई करे के मशीनिया। अच्छा। जोन हमारे सब बाजार से धान के बिया लावा जाता है वो रासायन दवाई से तो शोधित रहा है, लेकिन जोन घर के बिया रहा था जैसे पिछले बार रखे रह गए, ओका जीवामृत से शोधित कई के ही बोए चाहिए। 5 बीघा धान के बुआई करे है तो 12-15 किलो धान लेवे है, ओकरे बाद में 12-15 लीटर जीवामृत में 25 मिनट के लिए भिगो देवे के है। जो खराब बीज रहा था ओका निकाल के बाहर बहा दियो, और जो नीचे बिया बैठ जाता है ओका निकाल के सूती कपड़ा में छान लियो, छाने के बाद में जूट के बोरा पर फैला दियो ताकि ओकर नमी सूख जाए। धान के नमी अच्छे से सूख जाए तो 8-10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो के बीज में अच्छे से मिला लिया जाते हैं ताकि धान के ऊपर सफेद परत अच्छे से चढ़ जाए। बाद उपचारित बीज के बुवाई वही दिन कर दिया जाता है। ठीक, इतना प्रक्रिया तो दीदी आप लोग कई ले भी। हाँ दीदी, कह रहे बिल्कुल कई ले। धान के सीधी बुवाई करे वहाँ कुछ खासियत है, चाहे खेत खाल हो चाहे ऊंच हो, मान धान के सीधी बुवाई हो जाते है कि जैसे कम दिन वाला जो धान है वो प्रजात भी वहाँ बोवा जा सकते है। खर पतवार रोकथाम के लिए हम लोग रासायनिक और यांत्रिक विधि से नियंत्रण
करा जा सकत है भैया। यांत्रिक विधि का हो जैसे दीदी हमारे सभी श्री विधि में कोना बेटर चलावा जात है वही कहीं यांत्रिक विधि कहा जात है। कुल के तो जरूरत है निराई गुड़ाई करत माँ दिमाग खराब हो जात है। बहनी DSR विधि से गीली और सूखी दोनों तरह के मिट्टी में धान के बुवाई कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया तकनीकी है। जब तक तो जल भराव होई तब तक अगर पौधा बड़ा हो जाए पौधा मरे ना पाए। अब बाढ़ है और सूखे में कोनो दिक्कतें ना है। DSR विधि में नमी देखते हुए 0 टिलेज सीड ड्रिल मशीन से धान के बुवाई कर सका जाता है। मतलब कि बिना जोते हुए खेत में भी और जोता हुआ खेत में भी बुवाई कर सका जाता है। हमारे सब यह विधि में कौन कौन प्रजाति के धान बो सके थे? कम और मध्यम अवधि वाला बीज बो सका जाता है जवन की 100 से 125 दिन के होते हैं। मशीन में धान के साथ 50 किलो DAP और 2 किलो जिंक सल्फेट 15 किलो पोटास डाला जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से। ये जो धान के आप सब प्रक्रिया बताए हो वो हमारे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक मशीन से गेहूं की बुवाई करके हमारे फायदा लेते रहे हैं लेकिन अब की बार धान बुवाई करके फायदा ले रहे। यह विधि से आप लोग करा जाए और फायदा उठावा जाए। अब कल हमारे खेते में मशीन से धान का बुवाई हुई अब आप लोगों का बुवाई करत हम देखेबे। ठीक है दीदी तो कल हम लोग आपके खेत में समय निकाल के आईबे बुवाई होत के समय। और ठीक है दीदी अब हम लोग चली था धन्यवाद। ठीक है बहनी नमस्ते। बम्बा बोजंग अलाजी बम्बा बोजंग ए बम्बा बोजंग अलाजी बम्बा बोजंग ए बम्बा बोजंग अलाजी बम्बा।